नमस्कार, पोषण अभियान की एक नई वीडियो में आप सभी सेविका बहन का स्वागत है। जैसा कि पोषण अभियान की जितनी भी इंट्रियाँ हो रही है, उन सभी इंट्रियों के रिकॉर्डिंग काफ़ी सारी सेविका बहन का कमेंट आया हुआ है कि जैसे कि हम पोषण अभियान की जो एंट्री है वहाँ पे जाते हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही देखने को मिलता है, तो उसको हम अपने हिंदी लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज, मराठी, पंजाबी या जो भी कोई लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में कैसे पोषण अभियान की एंट्री को कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी के रिकॉर्डिंग है, तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आज की वीडियो आपके लिए। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पोषण अभियान की जो एंट्रियां है वो हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई भी लैंग्वेज में आप उसको सबमिट कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, पोषण अभियान का जो ये डैशबोर्ड है, जैसा कि आप लोगों को गूगल क्रोम से ओपन करना है। यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में लिख के सर्च करना है पोषण अभियान। पोषण अभियान लिख के जैसे ही सर्च करेंगी तो कुछ इस प्रकार से आपको एक पोषण अभियान का जो ऑफिशियल पेज है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा होगा पोषण अभियान। तो सिंपली आपको पोषण अभियान पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, यानी थ्री लाइन का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक नया और पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आप अपना यूज़र आई डी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगी। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसा कि अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में जो भी एक्टिविटीयां हैं वो आप लोग कर सकती हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम एक थीम सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो भी लैंग्वेज है वो आप लोगों को इंग्लिश में शो कर रही है, और यहाँ पे टोटल 8 थीम के अनुसार आप लोग इस पोषण अभियान की जो एंट्रियाँ हैं वो कर रही हैं। ठीक है, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधे चलेंगे कि क्या सेटिंग करनी है जिससे कि हम पोषण अभियान की जो एंट्री है उसको हिंदी या किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आप लोग पोषण अभियान का ये पेज देख रहे हैं, इसी पेज पर आप लोगों को यहाँ पर एक थ्री बिंदु का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर थ्री बिंदु का जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम की जो भी सारी सेटिंग्स है वो खुल के आ जाती है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी ट्रांसलेट। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो आप लोगों को इस लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको हिंदी या और कोई लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती है तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी ज़रूरी है। जैसे तो यहाँ पर जैसे कि थ्री डॉट देख रहे हैं, जहाँ पर हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, इसी के बगल में थ्री डॉट का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देनी है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोर लैंग्वेज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मोर लैंग्वेज पर आपको क्लिक कर देना है। मोर लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा लैंग्वेज देखने को मिल जाता है, बांग्ला, इंग्लिश, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, सभी लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अभी हिंदी को सिलेक्ट कर रखा है। तो देख सकते हैं जो भी पोषण अभियान की एंट्री है या जो भी थीम वगैरह है वो सभी हमको हिंदी में देखने को मिल जा रही है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश शो कर रहा था वो अब यहाँ पे हिंदी में देखने को मिल जा रही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण अभियान की जो भी एंट्रियाँ है वो करने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से कुछ सेटिंग कर लीजिएगा जिससे कि आप आसानी से इस पोषण अभियान की जो भी एंट्री है वो आसानी से पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आके कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अगर हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में अपने पोषण अभियान की एंट्री करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि सभी के सभी ऑप्शन आपको हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ही जो ऑप्शन है वो आप लोगों को हिंदी में शो करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक थीम को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे ऑप्शन जो है अभी आप लोगों को इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था कि इसको कैसे हिंदी में करना है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आज की ये वीडियो बनाई थी। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।